हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड विद प्रोबेबिलिटीज़। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अमर राजा बैटरी और हिंदुस्तान यूनिलीवर के रेजिस्टेंस लेवल के बारे में। और अगर आप हमारी चैनल के साथ रेगुलरली जुड़े होंगे तो आपको पता होगा, हमने अमर राजा बैटरी और हिंदुस्तान यूनिलीवर में आपको अच्छे सपोर्ट लेवल दिए थे, जहाँ से हमने कहा था कि ये सपोर्ट लेवल अगर ब्रेक होते हैं तो एक बड़ी गिरावट आ सकती है। तो उन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इसमें किस तरह की मूवमेंट आने वाले ट्रेडिंग सेशन में इन दोनों स्टॉक में हो सकती है। और हमने आपको कहा था कि ये सपोर्ट लेवल एक बार ब्रेक करे तो इसके नीचे के भी लेवल हम आपसे शेयर ज़रूर करेंगे। तो उसी में इस वीडियो में हम इसके नीचे के लेवल आपसे शेयर करते हैं विथ चार्ट। जहाँ पर पहले हम बात करेंगे हिंदुस्तान यूनिलीवर की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने आपको कुछ दिनों पहले 2200 के करीब का जो सपोर्ट लेवल दिया था, जहाँ से दो बार इस लेवल से रिकवरी भी आई, बट थर्ड टाइम ये ब्रेक किया क्योंकि मार्केट में बड़ी गिरावट देखने को मिली। तो उसी के साथ सपोर्ट लेवल थर्ड टाइम में ब्रेक किया। जैसा कि मैं आपको बार बार कहता हूँ कि कोई भी जो अच्छे सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल होते हैं किसी भी स्टॉक में, तो वो जितनी ज़्यादा बार टेस्ट करते हैं उतना जो है उसकी पावर कम होती जाती है। तो अगर थर्ड टाइम या फिर फोर्थ टाइम अगर ये टेस्ट करने वाले रहते हैं तो जो इसको ब्रेक डाउन करने की जो चांसेस है वो हर बार हायर होती जाती है। तो उसी में देखिए, थर्ड टाइम में जो है सपोर्ट लेवल को ब्रेक किया, तो अब जो पहले सपोर्ट लेवल था वो अब हिंदुस्तान यूनिलीवर के लिए अच्छे रेजिस्टेंस लेवल में कन्वर्ट हो चुके हैं, जिसमें कि जो रेजिस्टेंस लेवल है वो 2211, 2216। ये रेजिस्टेंस लेवल आप ज़रूर नोट करके रखें, 2211, 2216 का। ये एज ए रेजिस्टेंस वर्क करने वाले हैं आने वाले ट्रेडिंग सेशन में हिंदुस्तान यूनिलीवर के लिए। जहाँ पर इसकी क्लोजिंग आप देख सकते हैं 2183 की हुई है, बट लेवल थोड़े ऊपर के हैं क्योंकि मार्केट में आज नीचे से एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। तो हो सकता है कल या फिर परसों के ट्रेडिंग सेशन में थोड़ी रिकवरी ये अगर सस्टेन रहे तो ये लेवल्स आपको अगर देखने को मिले तो यहाँ से आप सेल करके फ़ायदा ले सकते हैं। और जहाँ पे इस रेजिस्टेंस को अगर ये टेस्ट करके गिरता है तो एक दिन में इतनी बड़ी गिरावट होगी नहीं, बट ओवरऑल मैं आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशंस की बात करूँ, कुछ एक दो वीक की, तो आपको इसमें आप देख सकते हैं कि इसके नीचे में नियर बाय में कोई भी अच्छा फिर से एक सपोर्ट लेवल नहीं है और जहाँ से कि ये रुक सके। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर में जो गिरावट होगी, जो कि रेजिस्टेंस लेवल आप ज़रूर नोट करके रखें, क्योंकि वहाँ से आपको एक पॉइंट मिलेगा सेल करने के लिए इंट्राडे बेसिस पे भी। तो इसमें जो गिरावट हो सकती है 2211 के लेवल से, वो अप्रॉक्सीमेटली 70-80 रुपीज़ तक की हो सकती है। इसका मतलब अगर हम 2211 से बात करें तो इसमें जो गिरावट हो सकती है वो 2130-2140 तक की गिरावट आपको देखने को मिल सकती है, प्राइस लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं आने वाले ट्रेडिंग सेशन में। तो आई होप आपने लेवल्स को नोट करके रख लिया होगा, और रेजिस्टेंस लेवल पे आता है तो इंट्राडे बेसिस में भी ज़रूर सेल करके फ़ायदा ले सकते हैं। और इसके बाद बात करते हैं अमर राजा बैटरी के बारे में। अमर राजा बैटरी में भी सेम हमने आपको जो सपोर्ट लेवल दिया था, जहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ से एक जस्ट टच करके थोड़ा सा रिकवरी भी आया था। तो इंट्राडे ट्रेडर्स जो भी होंगे वो अगर हमारी वीडियो को वॉच किए होंगे तो ज़रूर उन्होंने इंट्राडे में प्रॉफिट लिया होगा। और अब क्योंकि ये सपोर्ट लेवल फिर से, जैसा कि हिंदुस्तान यूनिलीवर में भी ब्रेक किया तो इसमें भी ब्रेक किया और मार्केट में इतनी अच्छी रिकवरी हुई, बट इन दोनों स्टॉक में अगर आप देखें, ये अमर राजा बैटरी में भी ध्यान दीजिएगा चार्ट में और यहाँ पर हिंदुस्तान यूनिलीवर में भी, इतनी बड़ी रिकवरी आज हुई, बट इन ये दो स्टॉक ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी सपोर्ट को तो ब्रेक कर चुके हैं, नीचे में ही सस्टेन है, बट इस रिकवरी में किसी भी तरह की कोई पार्टिसिपेशन नहीं रही इन दोनों स्टॉक में। इसीलिए मैं कह रहा था कि ये दोनों स्टॉक कुछ सेम तरह की मूवमेंट लगने वाली है आने वाले दिनों में। तो जैसा कि नीचे से मार्केट बहुत अच्छा रिकवरी मिला आज, बट इन दोनों में कोई भी रिकवरी नहीं दिखी, तो ये जो पहले सपोर्ट लेवल थे वो अब अमर राजा बैटरी में भी रेजिस्टेंस लेवल में कन्वर्ट हो चुके हैं, जो कि इसका रेजिस्टेंस लेवल है 911.7, 917.8 का अच्छा रेजिस्टेंस लेवल है अमर राजा बैटरी में। आने वाले ट्रेडिंग सेशन में या फिर एक दो वीक में आपको इसमें जो गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि नियर बाई में ये, अगर मैं चार्ट जूम आउट करूँ यहाँ पर, सबसे पहले तो मैं बता दूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक चैनल को भी ब्रेक डाउन किया है इसने, जो कि बहुत लंबे समय से ये एक चैनल में चल रहा था, ट्रेवल कर रहा था, उसे भी ब्रेक डाउन किया है। उसके साथ ही इसके नीचे में जो बेहतरीन सपोर्ट लेवल था उसे भी ब्रेक डाउन किया। तो जो रेजिस्टेंस लेवल है वो बहुत ही पावरफुल है, जिसे आप ज़रूर नोट करके रखें। इसकी जो क्लोजिंग है वो 888 की हुई है, बट
कुछ 20-22 रुपए की ऊपर की जो रेजिस्टेंस लेवल है हमने आपसे डिस्कस किया वो, लेकिन बहुत अच्छे रेजिस्टेंस लेवल है। इंट्राडे बेसिस में भी यहाँ से आपको पैनिक सेलिंग दिख सकती है, और जैसा कि प्रूफ के लिए आप देख ही सकते हैं कि इसमें ब्रेक हुआ और प्राइस थोड़े दिन तक नीचे गया, बट फिर से एक रिकवरी हुई। तो 2 दिन तक आप देख सकते हैं सेम जो हमने आपसे जो अभी डिस्कस किया रेजिस्टेंस लेवल, उसी को टेस्ट करके ही इसमें गिरावट हो रही है। तो अगेन आने वाले ट्रेडिंग सेशन में भी ये जो रेजिस्टेंस लेवल है वो एज इट इज़ वैलिड है, जहाँ से इसमें जो गिरावट हो सकती है। और फिर से मैं बोलना चाहूँगा, ये जो प्राइस लेवल है कुछ दिनों में या फिर हो सकता है महीना भी लग सकता है, 1 मंथ भी लग सकता है। तो इसके क्योंकि इसके नीचे में कोई अच्छा सपोर्ट लेवल नहीं है अमर राजा बैटरी के लिए, इसीलिए 790 के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन में, अगर इसी तरह की गिरावट बनी रही तो। जहाँ पर ये रेजिस्टेंस लेवल को आप नोट करके रखेंगे तो आपको एग्जैक्टली एक सेलिंग पॉइंट मिल पाएगा, और अगर इसे ब्रेक करके ऊपर चला जाए तो इसमें फिर स्टोरी चेंज हो जाएगी। उसके बाद फिर इसकी मूवमेंट जो है वो उसके अकॉर्डिंगली हम आपसे फिर से डिस्कस करेंगे, बट अभी जो जिस तरह की मूवमेंट लग रही है और आने वाले ट्रेडिंग सेशन में किस तरह की जो मूवमेंट इसमें हो सकती है अभी के सिनेरियो को देखते हुए, वो यही लग रही है कि अगर 911 के नीचे में ही सस्टेन करता रहा तो ज़रूर ये फिर से एक पैनिक सेलिंग आपको दिखा सकता है, जहाँ पे नियर बाई में कोई सपोर्ट इस तरह के कोई अच्छे सपोर्ट लेवल नहीं है बहुत दूर तक, जो कि मैंने आपको प्राइस भी बता दिया 790 783 तक, इसमें कोई भी इस तरह की बड़ी जो है सपोर्ट लेवल नहीं है। तो इस बात को ज़रूर ध्यान में रखें अमराजा बैटरी में, और अगर बाइंग में आपको जाना है तो वेट करें 970 के ऊपर में क्लोजिंग जिस दिन देगा उसके बाद ही बाइंग की सोचें। अभी तो केवल रेजिस्टेंस लेवल को नोट करके रखें, और इंट्राडे में भी वहाँ पर आता है तो सेल करके फ़ायदा ले सकते हैं। तो आई होप आपने दोनों स्टॉक में लेवल्स को नोट करके रख लिया होगा, और ये हमारी पहले की वीडियोस को जाके चेक करें, आपको पता चलेगा कि लेवल्स किस तरह के काम करते हैं। HDFC बैंक में हमने जो लेवल दिए थे एग्जैक्टली वही लेवल टेस्ट होके, वही एरिया टेस्ट होके उसमें आज के ट्रेडिंग सेशन में एक बड़ी रैली देखने को मिली है। तो आप लेवल को जाके चेक करें, तभी आपको ट्रस्ट होगा, और ट्रस्ट होगा तभी आप अभी हमने जो भी डिस्कस किया उसका पॉजिटिवली फ़ायदा ले पाएंगे। और वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि इस तरह के और भी एडवांस में लेवल जो आपके साथ रेगुलरली डिस्कस करते हैं उसका आपको टाइमली फ़ायदा मिल सके।